नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC विशाल वर्मा ने कहा कि हीरो ने जो संदेश और सीख दिया है उससे आज के युवा को सीख लेने की जरूरत है। शहीदी सिपाही हीरो के समर्पण त्याग जुनूनी व्यक्तित्व के चलते ही पार्टी मजबूत हुई। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में बीते वर्ष भाजपा किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर में पार्टी की तिरंगा यात्रा को बीजेपी रोकने में लगी थी। आज घर घर तिरंगा फहराकर आज झंडे की क्या दशा हुई है या किसी से छिपी नहीं। आज जयसिंहपुर के बेलहरी में आयोजित रणविजय यादव हीरो की पुण्यतिथि पर बोलते हुए पूर्व MLC विशाल वर्मा ने कहा कि शिक्षक MLC चुनाव में बीजेपी ने पिछड़ों के साथ किया अन्याय। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट को देख लीजिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम देख लीजिए। सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। श्री वर्मा ने कहा कि हीरो ने पार्टी के लिए दी है आताई सरकार के खिलाफ जान दी, अन्याय के खिलाफ जान दी। समय आने पर हीरो भाई के नाम पर बड़ी योजना लाई जाएगी। पूर्व MLC हीरालाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज हर मोर्चे पर विफल है। खेतों को मवेशी चर रहे हैं, स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई है। एक समय ऐसा आएगा जब जीवन जीने को ही विकास समझा जाएगा। उनकी साहस, उनकी कुर्बानी हम युवाओं के लिए एक बड़ा स्रोत है। हमको मालूम है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश और देश के में शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की दशा, कोई चीज़ युवाओं से अब छुपा नहीं है। क्योंकि हम सब लोग युवा हैं, अपने घर के होने वाले, अपने प्रदेश के, अपने देश के होने वाले कप्तान हैं। हम सब ने उनकी पुण्यतिथि पर प्रण लेने का काम किया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट होकर यहाँ परिवर्तन लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जल से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राहुल जी, जैसे सरकार दो बार आपकी रही उत्तर प्रदेश में, अभी इन्होंने मतलब अपनी आहुति दे दी जान की, लेकिन यहाँ कोई अभी ऐसी सुविधा हमें उपलब्ध नहीं हो रही है कि साफ सफाई हुआ या उनके पार के लिए कोई, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी किसी की कुर्बानी भूलने वाली नहीं है। हमारे नेता, हमारे मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, कितनी कल्याणकारी योजनाएं सभी के नामों पे चलाई गई, चाहे 100 नंबर हो, 101 हो, महिलाओं की चाहे दशा हो। समाजवादी पार्टी की जब यहाँ सरकार बनेगी, आप देखेंगे हीरो भैया के लिए, हीरो भैया के नाम पे इस ग्राम सभा में और तमाम यहाँ की जो रोड हैं, जो रास्ते हैं, जो गांव की दशा है, उसको सुधारने का समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में काम किया जाएगा। जी, क्या कहना चाह रहे हैं भैया? आज 15वीं पुण्यतिथि मनाया जा रहा है हमारे हीरो गांधी का, जो 2008 में जंतर मंतर पे बसपा की आतताई सरकार थी उस पे जो है उन्होंने रणविजय हीरो ने आहुति दी थी। तो हम लोग जो है आज 15वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगा तो उनके छोटे भाई जो मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव हैं, तो उनको बड़ी सौगात समाजवादी पार्टी देगी। परसों भी हम लोग समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे तो हमको भी साथ ले गए थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ठीक है, और चाह रहे थे कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो, लेकिन विशाल वर्मा, पूर्व MLC और हरिलाल यादव, उनका जो है कार्यक्रम लगा है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए हैं, अनिश राजा जी जो मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो लगातार 15वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो इनकी आहुति जाएगी नहीं, जिस तरीके से जब तक सूरज चांद रहेगा रणविजय हीरो का नाम रहेगा। हम लोग लगातार इस तरीके से कार्यक्रम मनाए जाएंगे। 17 जनवरी कार्यक्रम मनाया जाता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।